जी जनाब, ये हमारी होंडा CD50 आज 3-4 दिन की मेहनत के बाद हमने इसको स्टार्ट कर लिया। इसकी सफाइयां कर ली, नए इशारे लगा लिए। ये इशारे होंडा CD100 के लगाए हैं हमने, अगले भी पिछले भी इशारे। पिछली लाइट लगा ली, सफाइयां करा ली और जो जो ज़रूरी काम थे जो कि हमने स्टोरेज में रखने के बाद निकाला इसको तो करने थे कर लिए। ये मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ, ये दूसरी तरफ से भी देख ले मुकम्मल सफाइयाँ। और वो ये 49cc मोटरसाइकिल है, 70cc इस शक्ल की बहुत मिलती है, लेकिन 49cc की ये मोटरसाइकिलें कामयाब भी हैं नायाब भी हैं। तो अब हम आपको ये ज़रा स्टार्ट करके भी दिखाते हैं कि स्टार्ट करके कैसी लगती है और आवाज़ सुनाते हैं इसकी। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें। ये चाबी ऑन की, चाबी ऑन की तो ये देखें, ये जो इसकी होती है और ये इशारे लेफ्ट राइट के इशारे चलाएं, दूसरे इशारे चलाएं, हेडलाइट ऑन करें, ये देखिए हेडलाइट। तो ये जनाब होंडा CD50, फिर बताता हूँ कि शायद पाकिस्तान की वाहिद है। CD70 इस तरह की बहुत मिलती हैं, लेकिन CD50 बहुत नायाब है, वैसे भी बहुत कम बनाई गई, कामयाब बाइक है। और मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पास जो मौजूद है बाइक वो ओरिजिनल हालत में है। ये इसका स्टिकर भी बता रहे हैं CD50, और भी इसकी हर जगह पे तकरीबन लिखा हुआ है, यहाँ पे भी। इवन अगर हम इसकी दूसरी तरफ से जाएं और देखें तो इवन इसके पार्ट्स के ऊपर भी पार्ट्स नंबर के साथ CD50 लिखा हुआ है। और जैसा मैं बता रहा था, 4.5 हॉर्स पावर की ये मोटरसाइकिल है, 79 किलोग्राम वेट है, क्लच के साथ चलती है। ये क्लच है, ये क्लच का इसका लीवर है और 4 गियर है फ्रंट फॉरवर्ड। और सिंगल पैसेंजर मोटरसाइकिल, सिंगल पैसेंजर की निशानी ये है कि इसके साथ पिलियन राइडर के लिए फुट रेस्ट की जगह नहीं होती है इसके स्विंग आर्म पे। और सिंगल पैसेंजर सीट के साथ इसका वही ट्रेडिशनल पुराना 6 लीटर टैंक है, ट्रेडिशनल पुराना फ्यूल कैप है, फ्यूल टैंक का कैप है। और बैक सीट के ऊपर, बैक सीट की जगह लगेज रैक है। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और आप ज़रूर लाइक और फॉलो भी करेंगे। DJ's Follies पे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गुड बाय।